आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्पीड टेस्ट रेडार गन कैसे यूज़ होता है जो व्हीकल्स की स्पीड नापने में या फिर बॉल की स्पीड नापने में काम आता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है डॉपलर्स इफेक्ट। इसमें जो रेडार गन है वो रेडियो वेव्स फेंकता है, जो इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है, तो ये कार से रिसीव होकर वापस आता है। तो अगर कार हमारी तरफ को आ रही होती है तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और अगर कार सामने को जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती रहेगी। तो इस फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कार की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों में रिलेशन होता है। यही मेन तरीका होता है जिससे हमें कार की रिलेटिव वेलोसिटी पता चल जाती है। थैंक यू।